नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है निर्विकार और आज मैं आया हूँ झंडेवालन मंदिर। और आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रश है यहाँ पे। लगभग 2 साल के अंतराल के बाद यहाँ पे मंदिर में आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं। और कोरोना की महामारी में, कोरोना जैसे जैसे ख़त्म हुआ है, लोगों ने मंदिर में आना वापस शुरू किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहले की तरह फिर से लोगों का आना जाना देखकर, चहल पहल देखकर, माँ झंडेवाली के दर्शन करने लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगता है। मन को एक अच्छी एक सुकून मिलता है, एक अच्छी वाइब्स आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। अमेजिंग। यहाँ जूता स्टैंड बनाया गया है जहाँ पे सभी भक्तगण अपने जूते चप्पल यहाँ उतार सकते हैं। उसके बाद यहीं से लाइन चालू हो जाती है, यहाँ से आप जाएंगे। एक जूता स्टैंड यहाँ पर है और एक जूता स्टैंड वहाँ पीछे की तरफ भी बनाया गया है। वो जहाँ पे सामने वो लाइट जल रही है वहाँ पे भी एक जूता स्टैंड है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दूरी पर 2 या 3 जूता स्टैंड मिल जाएंगे। ये देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है देखकर लोगों का इतनी भीड़। नीचे के दर्शनों पर अभी अनुमति नहीं है कि भक्तगण वहाँ जा सके, तो यहाँ पे एक LED लगाया गया है, आप देख सकते हैं। आप यहीं से माँ झंडेवाली के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर व्यवस्था करेगी खेतरी की, जहाँ माँ भगवती का पूरा पुराना स्वरूप यहाँ पे विद्यमान किया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको। भगवती का यहाँ पे सजावट की गई है मंदिर को, इस प्रांगण को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। माँ भगवती के दरबार की सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि इस परमेश्वरी का आशीर्वाद हुआ लोगों पे और दोबारा से पूर्ण रूप से सब यहाँ पे कोरोना की महामारी का खत्म होने के बाद लोगों ने यहाँ पे वापस पूरे उत्साह के साथ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। आप देख सकते हैं ये नीचे जाने की गुफा है माँ झंडेवाली के मंदिर जी को, जो कि भीड़ के मद्देनजर और थोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस के हेतु बंद कर रखा गया है, पर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आइए आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ माँ भगवती के यहाँ पे और भगवान के दर्शन करवाते हैं आपको। हनुमान जी महाराज की बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज की भी प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि नवरात्रों में और ज्यादा रौनक आ गई है। माँ के स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा है। शक्ति माँ अन्नपूर्णा और हमारे ठाकुर जी, आइए आगे देखते हैं। यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योत है जो कि सदैव झंडेवाली जी की, जो कि सदैव विद्यमान रहती है। भक्तगण आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है मंदिर में। जैसे कि आप देख सकते हैं
क्या माता के स्वरूपों का विवरण दिया गया है। माँ शैलपुत्री, ये माँ का पहला स्वरूप है। दूसरा आता है माँ ब्रह्मचारिणी, यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी जी के बारे में बताया गया है कि माँ ब्रह्मचारी के उनका क्या मतलब है, उनके किस नाम का। माँ ब्रह्मचारी चारिणी का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि तप की देवी है ये। ऐसे ही माँ चंद्रघंटा, माँ भगवती का तीसरा स्वरूप है ये। माँ कुष्मांडा, ये चौथा स्वरूप है माँ जगदम्बा का। पांचवा स्वरूप आता है माँ स्कंद माता का। ये पांचवें स्वरूप में माँ भगवती को देखा जाता है। माँ कात्यायनी देवी, कात्यायनी देवी जी माता का छठा स्वरूप है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं माँ कालरात्रि, माँ आदिशक्ति का सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि है। आठवां स्वरूप आता है माँ महागौरी का, जो कि आप देख रहे हो माता महागौरी, इनकी चार भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है। दसवां स्वरूप आता है माँ सिद्धिदात्री का, यह आखिरी स्वरूप है माँ आदिशक्ति का। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इन सभी स्वरूपों को दर्शाया गया है झंडे वाले मंदिर में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। काफ़ी समय पश्चात लोगों की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है और बहुत श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं माँ भगवती का दर्शन करने के लिए। सभी लोग अपने में मस्त हैं, सब लोग मगन हैं माँ भगवती की स्तुति कर रहे हैं, लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ी कृपा है माँ झंडे वाली जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके परमेश्वरी के दर्शन प्राप्त कर सकूँ। और भगवती से बस यही प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करके पूरे विश्व में शांति को वापस पुनः स्थापित करें परमेश्वरी। जयकारा माँ झंडे वाली का, बोल साचे दरबार की जय।